एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शंस के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को अपमानित करने और सताने के उनके वकील सतीश मान शिंदे के दावों को शरारतपूर्ण और पूरी तरह असत्य करार दिया है। मान शिंदे ने यह आरोप भी लगाया था कि उनके मुवक्किल पर पूछताछ के दौरान करण जौहर का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। एनसीबी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर क्षितिज को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील और परिवार को इसकी सूचना दी गई थी। एनसीबी कार्यालय में उन्हें उनकी पत्नी और ससुर से मिलने की इजाजत भी दी गई थी। जांच में सहयोग नहीं करने पर अदालत से उन्हें रिमांड पर भेजने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने भी उनके साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार से इनकार किया था। क्षितिज 3 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में है। एजेंसी का कहना है कि उन्होंने मई से जुलाई के बीच करीब दर्जन भर बार गांजा खरीदा था।